हम पर पदार्थों से अपना जीवन मान रहे हैं, हमारा असली जो जीवन है वो जीवन को तो हमारे को पता ही नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें अपरिग्रह व्रत में उन्होंने एक प्रकार से, मेरे को एक भाव आता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांच पाप बताए उन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, चार परिग्रह के तो समझ लो एक उदाहरण दे दिए, हिंसा मत करो भैया, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अब्रह्म का सेवन मत करो। अपरिग्रह में क्या डाला, अपरिग्रह में कौन सा पाप डाला, बाकी के जितने पाप हैं दुनिया में चार पाप तो उनने गिना दिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, और उसके बाद में बाकी के जितने पाप हैं, जितनी कषायें हैं, कषायों को डाल दिया ना, 24 सभी 14 कषायें आ गई। तो जो है जितने पाप हैं, जितनी कषायें हैं, बाकी सब को एक साथ समेटा और उनने परिग्रह के पाप में डाल दिया। तो अपरिग्रह जो है उस सबसे बड़ा एक प्रकार से धर्म है। आकिंचन धर्म में ये लिखा है, उनने पंडित जी ने क्या लिखा है, आकिंचन बड़ो धर्म संसार में, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने, आकिंचन धर्म को धर्म बड़ो संसार में सबसे बड़ा धर्म उन्होंने घोषित किया है, हैं? इसी को कहा ना, आकिंचन को लिखा उन्होंने धर्म बड़ो संसार में। उत्तम आकिंचन गुण जानो, चिंता दुखी मानो, पास तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। वो पूरा पूरा अभी अभी 10 लक्षण चल रहे हैं, मालूम तुम लोगों को कल से परसों से चालू हुए, 26 से सभी चल रहे हैं, इसलिए जो है पुजारियों को ज्यादा टाइम लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो इसमें जो है ये अपरिग्रह महाव्रत में, अब बताना मुझे, इन्होंने परिग्रह को दो ही प्रकार का बताया, कौन से दो प्रकार का बताया, ये तो पहले ही मना कर दिया था मैंने, ये इन गाथा में बताओ दो प्रकार का परिग्रह क्या बताया, राग दोषायीनम परिहारो, राग और द्वेष, बस दो प्रकार का परिग्रह। ये क्यों आ गया ये राग द्वेष परिग्रह दो प्रकार का, क्योंकि जो बाह्य परिग्रह है वो भी दो प्रकार का है, बताओ कौन सा, बाह्य परिग्रह को कह रहा हूं, बाह्य परिग्रह दो प्रकार का बताओ, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, दो प्रकार का परिग्रह है, एक मनोज्ञ बाह्य परिग्रह है और एक अमनोज्ञ बाह्य परिग्रह है। मनोज्ञ परिग्रह से क्या करें, राग का त्याग करो, और अमनोज्ञ परिग्रह से क्या करें, द्वेष का त्याग करो। राग दोषायीनम परिहारो, त्याग, ये जो है ये उसकी भावना है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, यदि अपरिग्रह व्रत को संपूर्णता से पालन करना चाहते हो तो बस तुम जो है मनोज्ञ अमनोज्ञ पदार्थों से राग द्वेष का परिहार कर दो तो तुम्हारा पूरी तरह से, देखो ये कषायों का त्याग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यथाख्यात चारित्र, ये अपरिग्रह महाव्रत कहां पहुंचा रहा है, यथाख्यात चारित्र पर पहुंचा रहा है, यथाख्यात चारित्र पर, माने इससे बड़ा चारित्र नहीं है। पांच प्रकार का चारित्र कहा है तो ये बाकी के चार पर चारित्र तो एक प्रकार से छोटे हैं, ये यथाख्यात चारित्र जो है ये सबसे बड़ा चारित्र है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, उसके बाद में नंबर है यथाख्यात। परिग्रह के भेद, परिग्रह का त्याग करेंगे तो ये जो है यथाख्यात चारित्र जो है सबसे बड़ा चारित्र प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपरिग्रह व्रत की भावनाओं की चर्चा करी। अब इसके बाद में कुछ चर्चा और है, अब मेरे पास में दो दिन है, अब मेरे को जो है चार आठ पाँच सात आठ गाथाएँ अभी बाकी हैं, उसको अपन पूरा करेंगे। चलिए हमारे अखिलेश जी मोदी जी के बच्ची का लगन लिखने का बराबर था,
भरतेश नखाते माने हमारे आदिनाथ जी नखाते के सुपुत्र।